हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइनर हीना। तो आज मैं मॉप फ्लोर इस तरह पुराना था उसे इस तरह से रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो उसे हम एक पुरानी बेडशीट लेंगे, कॉटन वाली बेडशीट से रियूज़ करते हुए हम ये मॉप फ्लोर की क्लीनर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पुरानी ब्लैंकेट ले ली है कॉटन वाली, मेक श्योर कि वो ब्लैंकेट कॉटन की रहे। तो ये वाली कॉटन पुरानी थी तो इसके लिए मैंने इसे रियूज़ किया। बेडशीट को अब हम फोर फोल्ड करके रख लेंगे, प्लेस कर लेंगे ताकि इजीली कट हो जाए स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट फोर फोल्ड करके बिछा ली है, प्लेस कर ली है। तो अब हम इसका जो भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक रहेगा उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। चाहे तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं अगर आपकी बेडशीट एकदम क्लीन नीट है। तो उसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे 3 इंच। कॉटन फैब्रिक ही यूज़ करें। अगर आप कॉटन की जगह पॉलिस्टर मेड फैब्रिक नायलॉन यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि जब हम हाउस क्लीन करेंगे तो वो पानी अब्जॉर्ब नहीं होगा वो फैब्रिक में। तो इसलिए कॉटन फैब्रिक से बनाएं, उसमें अच्छे से वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसे ही और डिज़ाइन और क्रिएटिविटी के लिए आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ब्लैंकेट थोड़ी डैमेज हो गई थी तो इसलिए मैंने इस तरह से प्लेस किया है और इसे कट करेंगे। अब चाहे तो डैमेज ब्लैंकेट भी ले सकते हैं और अपने हिसाब से कट कर सकते हैं स्ट्रिप्स। ऐसा नहीं कि अच्छा ही रहे, नीट बेडशीट ही रहे। अब डैमेज बेडशीट मेरी डैमेज बेडशीट है तो इसके लिए मैंने इसका मॉप फ्लोर क्लीनर बनाया है। बेडशीट में इस तरह के स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे स्ट्रिप्स मैंने कट कर लिए हैं। तो अब हम इसे जॉइंट करेंगे। हम अपने पहले वाले शीट स्ट्रिप लेंगे और दूसरे वाले स्ट्रिप्स के अटैच करके एक लॉन्ग स्ट्रिप, एक ही स्ट्रिप बनाएंगे। इन सारे स्ट्रिप्स अटैच कर हम एक लॉन्ग स्ट्रिप बनाएंगे। इस तरह से हम स्टिच करेंगे, उसके एक लॉन्ग स्ट्रिप्स बनाएंगे, फिर उसके एक के बाद एक अटैच करते हुए हम इसके एक लॉन्ग स्ट्रिप बना लेंगे।
स्ट्रिप्स कट कर लेंगे, यही मेथड्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे और डिजाइंस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। स्ट्रिप्स कट कर लिए है 35 इंचेस की, आप देख सकते हैं। अब हम इसे पुराने वाले मॉपलर के स्ट्रिप्स निकालेंगे और इसका ये जो है टूल, उसमें हम ये वाले हम जो स्टिच किए हैं स्ट्रिप्स को अटैच करेंगे। अब हमने जो स्टिच किया है स्ट्रिप्स, उसे हम बीच में से सेंटर में से इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो टूल था हमारा मॉपलर क्लीनर स्टिक पे जो आया था, इसके अंदर हम प्लेस करेंगे ये स्ट्रिप्स सारे और इसे ये स्टिक पे हम अटैच करेंगे। तो ये इजीली अटैच नहीं होता है फ्रेंड्स, तो अब हम ये जो होल्स है उसके अंदर इसका ये रखेंगे और इसे हम हाथ की मदद से अंदर पुश करेंगे। अगर हाथ की मदद से अंदर पुश नहीं हो रहा है तो हम हथौड़ी का इस्तेमाल करते हुए, हथौड़ी, हैमर या फिर किसी का भी इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर इस तरह से पुश करेंगे। वैसे हम इसके दूसरे वाला भी बाजू में इसे हम अंदर फिक्स कर देंगे, तो इस तरह से ये लॉक हो जाता है स्टिक के अंदर और अच्छे से एकदम फिक्स हो जाता है, फिट हो जाता है। आप देख सकते हैं फिट हो गया है ये। तो ये हमारा मॉप फ्लोर क्लीनर एकदम रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं पहले कैसा था अब कैसा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।